सो गाइस, आज है मेरे पास ये वन प्लस बड जेड, जो कि मतलब काफ़ी ख़तरनाक से एक TWS है। तो मैं इसको एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एक हफ्ता यूज़ करने के बाद मुझे कैसे लगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दूँ। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। इसका जो लाइट है ना, प्यारी सी, इतनी प्यारी लगती है ना ये लाइट, इतनी मतलब, वैसे तो ऊपर अभी केस लगा हुआ है बट केस के ऊपर से भी कितनी अच्छी लग रही है लाइट। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है वैसे तो, बट इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसका जो ज़िगज़ैग डिज़ाइन है ना, मतलब प्लेसमेंट का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा। इसकी जो स्टेम है वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि एप्पल की कॉपी नहीं है एटलीस्ट। और जो मतलब इसका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा सा है बट काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। और जिसकी स्टेम है वो इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इतने ज़्यादा भार को नहीं आती, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे 3000 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हेडफोन्स लगे। तो अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ये हेडफोन्स के लिए आप जा सकते हैं, बहुत ही मस्त है ये। तो अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि जो कितने ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो आपको बता दूं कि जो मैं हेडफोन्स यूज़ करता हूँ ओवर द ईयर, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। और मैं ये जो रबर टिप्स है इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे कान में इरिटेशन सी होती है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बट इसकी जो रबर टिप है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट सी है, और छोटी भी है, सबसे छोटी वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरे कान में अच्छे से फिट हो जाती है और मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई इसको पहनने के बाद। और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी फिटिंग, एकदम से अंदर बैठ जाते हैं और मतलब इरिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं पावर रैंप यूज़ करता हूं, जो कि मतलब एक पेड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। तो मतलब उसको कह सकते हैं कि वो एक बेस्ट म्यूज़िक प्लेयर है एंड्रॉइड के लिए। और उसमें मैं मतलब गाने डाउनलोड करके सुनता हूँ, मैं गानों को स्ट्रीम नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, जो कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और गानों को डाउनलोड करने से बिल्कुल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे मतलब आप कह सकते हैं कि मैं एक दिन में 1-2 घंटे तो गाना सुनता हूँ, तो मैं उसी से सुनता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही सही चीज़ लगती है वो। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इसका जो बेस है वो इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि बेस जो है वो एवरेज है, बट इसके ट्रेबल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, छन छन की आवाज़ एकदम मस्त आती है। बाकी आपको मैं इसकी वोकल्स की बात करें तो वोकल्स एकदम क्लियर है, वोकल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बट मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो ओरिजिनल साउंड है ना गाने की, वो आपको इसमें सुनाई नहीं देने वाली, क्योंकि ये मतलब पोस्ट प्रोसेस करते हैं, गाने में मसाला डाल देते हैं, आपको खतरनाक सुनाई दे। तो मतलब आप एक ओरिजिनल या फिर नेचुरल साउंड लवर हो तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये आपको मतलब अलग ही मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में लेके चले जाएंगे गाने सुनाने के बाद। एकदम आपको मतलब ट्रेबल अच्छी सुनाई देगी, एकदम छन छन, मतलब आवाज़ ही चेंज हो जाती है बंदे की जो वो गा रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि मुझे सही चीज़ भी लगी और थोड़ी सी मतलब बेकार चीज़ भी लगी, क्योंकि मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को ये थोड़ी सी मतलब एवरेज चीज़ लगी, क्योंकि मैं नेचुरल साउंड लवर हूँ। बट अगर आप एक नए यूज़र हैं, आपने कभी मतलब TWS यूज़ ही नहीं किया है, तो मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ लगेगी, कान में कुछ अलग सा ही हो रहा है, जो कि मुझे मतलब ठीक ठीक लगे। चलो 3000 के हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस, मैंने पूरी वीडियो में कवर इसलिए लगा के रखा हुआ था कि क्योंकि मेरे फ्रेंड ने वैसे बोला हुआ है कि कवर को हटाना मत, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे टेप लगी हुई, जिससे कवर एकदम स्टिफ रहता है, जो कि मुझे कवर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो वन प्लस का लोगो है तो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर ही रहा है। बाकी आपको मैं इस कवर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मुझे मतलब काफ़ी अच्छा कवर लगा। बाकी कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन में आपको यही देना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छी TWS चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, और आप साउंड की गहराई में इतना नहीं जाते हैं कि मतलब आपको एकदम सब कुछ एकदम सही सही और नेचुरल चाहिए, तो मतलब आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी आपको इसकी बैटरी के बारे में बता दूं कि जो इसके बड्स है वो एक बार चार्ज करने के बाद 3 घंटे आराम से चल जाते हैं, और जो केस है ये बड्स को 4 से 5 बार आराम से चार्ज कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी इसकी, आप इसके लिए आराम से जा सकते हैं। अगर आप पहली बार ले रहे TWS तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और वन प्लस की तरफ से आते हैं, और जो इसकी केबल आती है ना रेड कलर की वन प्लस के साथ, तो मतलब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow-mo.